हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट डे वन की वेदर रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच फर्स्ट टेस्ट मैच, जो कि 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से शुरू होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर सेंचुरियन से एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। एज पर न्यूज़, सेंचुरियन में दोस्तों आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है, जिसके चलते दोस्तों यहां पर मैच देरी से शुरू होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज की वेदर रिपोर्ट। स्टार्टिंग करते हैं 9 बजे के अराउंड, जहां पर ये मैच शुरू होगा सेंचुरियन में। 9 और 10 बजे दोस्तों वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है और बारिश की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। टेम्परेचर की बात करें तो सिर्फ 19 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है, जिसका मतलब ये है बारिश यहाँ पर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में खलल डाल सकती है। बात करें उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच में, सो यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक लंच ब्रेक होगा और फिर होगा सेकंड सेशन की शुरुआत। सेकंड सेशन की बात करें तो सेकंड सेशन में आपको गेम शुरू होते हुए दिख सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकंड सेशन की सेकंड पार्ट पर आपको शायद गेम देखने को ना मिले। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड एंड फाइनल सेशन है, जो 3:30 बजे के राउंड शुरू होगा और 6 बजे तक चलेगा, सो उसमें दोस्तों यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और ये सेशन आपको धुलते हुए दिखाई देने वाला है। सो दोस्तों अगर हम यहाँ पर वेदर रिपोर्ट को देखें, सो स्टार्टिंग का एक आर आपको खेल देखने को शायद ना मिले, उसके बाद दोस्तों खेल आपको देखने को मिल सकता है और लास्ट एंड फाइनल सेशन भी आपको शायद देखने को ना मिले। यह दोस्तों इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका डे वन की वेदर रिपोर्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।